ओके माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम क्या समझेंगे, आज हमारे ईवीएस का यानी एनवायरमेंटल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर समझते हैं। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का हमारे नाम क्या है? ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप यानी बड़े होना। ग्रोइंग अप आप समझ ही गए होंगे, हम बड़े होते हैं, हमारी सब चीजें ग्रो करती हैं, तो हमारा आज चैप्टर का नाम ही यही है, ग्रोइंग अप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को हमारी बुक के अकॉर्डिंग पूरा रीड करेंगे, एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का, एक एक पैराग्राफ का अच्छे से मतलब समझेंगे। तो आप बुक में भी देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ, अगर आपके पास बुक अभी नहीं हो तो आप ऐसे मैं रीड कर रहा हूँ पूरा, आप रीड करके इसको अच्छे से समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड, हम समझते हैं इसको। हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, उसका नाम है ग्रोइंग अप और है हाय आई एम रोहन। हाय आई एम रोहन यानी हाय, जैसे हम बोलते हैं हेलो हाय, तो ये वो वाला हाय है। हाय आई एम रोहन यानी मेरा नाम रोहन है। हमारे बुक का जो चैप्टर है उसका कैरेक्टर है, यानी जो हमारे बुक के अंदर जो हमारा कैरेक्टर दिया हुआ है, यानी जो हमारा फ्रेंड दिया हुआ है, वो हमें बुक से क्या कहना चाहता है। हाय आई एम रोहन, मेरा नाम रोहन है, आई एम 7 years old, मेरी जो उम्र है, आई एम 7 years old, मेरी उम्र है 7 साल। ठीक है, आई वॉज बॉर्न एज अ बेबी, मैं एक बेबी जितना पैदा हुआ था, बेबी जितना पैदा हुआ था, मतलब जब भी बेबी पैदा होता है वो कितना छोटा सा होता है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है व्हेन आई वॉज बॉर्न, यानी जब मैं पैदा हुआ था, आई वॉज अ बेबी, मैं बहुत छोटा सा बेबी था। एवरी वन इज बॉर्न एज अ बेबी, जितने भी लोग होते हैं इस दुनिया में, आज मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी हाइट इतनी बढ़ गई, आप बड़े हो गए, आपकी हाइट इतनी बढ़ गई, लेकिन जब भी हम पैदा होते हैं तो हम इतने छोटे से पैदा होते हैं, हमारा वेट भी बहुत कम होता है, हमारी हाइट भी बहुत कम होती है, हैंड्स हमारे छोटे छोटे होते हैं, हमारी छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, छोटे छोटे पाव होते हैं। ठीक है, ये इसने समझाया हमको कि जब भी लोग पैदा होते हैं या कोई भी इंसान पैदा होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। When I was a baby, I could not take care of myself even for feeding. अब जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, जब मैं सिर्फ पैदा हुआ था, I was a born baby, मैं जब जस्ट सिर्फ पैदा हुआ हुआ बच्चा था, तब मैं खुद की केयर नहीं कर पाता था। केयर का मतलब क्या होता है? ख्याल रखना, ध्यान रखना। तो मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाता था, मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था, और इवन यहाँ तक कि मैं खुद का खाना भी नहीं खा पाता था। फीडिंग का मतलब होता है खाना खाना। फीडिंग जैसे हम करते हैं बच्चे को एकदम, या फिर दूध की बॉटल से पिलाते हैं, ठीक है, या फिर स्पून से खिलाते हैं, या फिर हम उसको एकदम हाथ से खिलाते हैं कि वो खुद नहीं खा पाता। ठीक है, तो जब मैं बहुत बॉर्न बेबी था तो मैं खुद की फीडिंग का भी ख्याल नहीं रख पाता था। नाउ आई एम अ चाइल्ड, अब मैं एक बच्चा बन चुका हूँ, मैं एक ग्रोन अप चाइल्ड हूँ, मैं एक बच्चा हो गया हूँ। आई कैन डू मैनी वर्क्स विथ माई सेल्फ, मैं अब आके खुद के बहुत सारे काम कर पाता हूँ, यानी मैं इतना ग्रो हो गया हूँ कि मैं बहुत सारे खुद के वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, यानी कपल ऑफ ईयर्स का मतलब कुछ सालों बाद, कुछ सालों बाद, यानी कपल ऑफ ईयर्स का मतलब हो गया कुछ सालों बाद। आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आई विल ग्रो टॉलर लाइक माई एल्डर ब्रदर, आज मैं थोड़े समय बाद मेरे जो एल्डर ब्रदर है उनके जितना लंबा हो जाऊंगा। आपको पता नहीं होगा, मेरा एक छोटा यंगर भाई है, यंगर यानी छोटा भाई, आज वो इतना है, थोड़े समय बाद उसकी भी हाइट मेरी जितनी हो जाएगी, तो वो भी अपने एल्डर ब्रदर जितना बड़ा हो जाएगा। तो रोहन भी यही कहना चाहता है कि आज से कुछ सालों बाद मैं भी मेरे एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े ब्रदर के जितना बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, ही इज 13 years old, वो 13 years old है, वो कितने साल का है, वो 13 years old है। After some more years, कुछ और सालों बाद, I will become adult like my father, कुछ सालों बाद, यानी कुछ साल जब निकल जाएंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद में मैं मेरे फादर जितना बड़ा हो जाऊंगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अब मेरी एज एकदम अडल्ट हो जाएगी, मैं मेरे फादर जितना बड़ा हो जाऊंगा। ऐसे ही तो ग्रोइंग होती है, हम बच्चे जितने पैदा होते हैं, फिर हम चाइल्ड बनते हैं, फिर हमारी एज 13-14 ईयर्स की होती है, फिर ये बता रहा है कि कुछ सालों बाद यानी 20-25 ईयर्स बाद मैं मेरे फादर जितना बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, आई विल बिकम टॉलर एंड हैवियर लाइक हिम, मैं उनके जितना लंबा, उनके जितना लंबा और उनकी जैसी मेरी बॉडी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मैं उनके जितना लंबा और उनकी जैसी मेरी हैवी, हैवी यानी भारी बॉडी, उनका वेट भी बढ़ जाएगा और उनकी हाइट भी बढ़ जाएगी।
ठीक है, मेनी इयर्स लेटर, यानी बहुत साल बाद, अब बहुत समय बाद की बात हो रही है, बहुत साल निकल गए, ठीक है। आई विल ग्रो लाइक माई ग्रैंड फादर, मैं मेरे मेरे जो ग्रैंड फादर है यानी जो मेरे दादाजी हैं, मेरी उनकी जितनी एज हो जाएगी, जब देन आई रिंकल विल डेवलप ऑन माई फेस, मेरे फेस पे झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के फेस पे, यहाँ पे स्किन पे ऐसे झुर्रियां पड़ने लगती है, उनकी स्किन फोल्ड होने लगती है, हमको पता चलता है कि उनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। एंड माई हेयर्स विल ग्रो टर्न टू ग्रे, अब जो मेरे बाल होंगे वो आज ब्लैक है, और जब मैं मेरे दादाजी जितना बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, जो मेरे हेयर्स हैं वो भी ग्रे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को इतना ही समझेंगे, इसके बाद का हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।